चीन ने मंगलवार को भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत के उस दावे का खंडन नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि डोकलाम में चीनी सैनिकों की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि चीन ने डोकलाम पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि गश्त और इलाके में अपने जवानों की तैनाती पर उसका संप्रभु अधिकार है। रावत की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोकलाम इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती और गश्त संप्रभुता के अधिकार के तहत है और ये ऐतिहासिक संकल्प की व्यवस्था और क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखने के अनुरूप है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है और ये लगातार चीन के अधिकार क्षेत्र में रहा है। चीन का कहना है कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। जनरल रावत ने सोमवार को कहा था कि डोकलाम में चीनी सैनिकों की संख्या में काफी कमी आई है। सिक्किम क्षेत्र के डोकलाम में गतिरोध की वजह से भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने रही हैं। दोनों तरफ की सेनाओं के पीछे हटने के बाद ये संकट बीते साल अगस्त में सुलझ पाया था। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जबकि मौजूदा केंद्र सरकार ने हथियारों के निर्माण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कंपनियों से इस बाबत समझौते किए हैं। सरकार मेक इन इंडिया के तहत हथियारों को देश में ही विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। उसने कई कंपनियों से कहा कि वो भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करे। डोकलाम और सीमावर्ती इलाकों के विषय में भारत की ओर से हर बयान का विरोध और प्रत्युत्तर देने वाले चीन का मुंह भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के इस बयान पर बंद है। टीम इंडिलिंक्स।